मेरी तरफों सारे सत श्री अकाल नमस्कार ते गुड मॉर्निंग। ये वीडियो पंजाबी भाषा च है, इहदा टाइटल है जेकर तुसी कनेडा च रह रहे हो तो तुसी आपदे रिश्तेदारां नूं स्पोंसरशिप लैटर देने तो पहला इन्हां गल्लां वल गौर करनी पैंदी है। ये जो सूचना है मैं कनेडा दी ऑफिशियल वैबसाइट www.cic.gc.ca तो ली है, तो ये कानूनन तौर पर उन्हें लिखा है कि जे तुसी किसी नूं स्पोंसरशिप दे रहे जे तो तुहानूं कीड़ियां कीड़ियां योग्यतावां पूरियां करनियां चाहीदियां। देखो तुसी गलत किसी नूं स्पोंसरशिप ना दिओ, उन्हां समस्या की हो रही है, एक तो कनेडा की सरकार ते बोझ वधदा है, जिहड़े भी उत्थे बंदे हायर किए जाते हैं उन्हां दी तनखाह तुहाडे टैक्स तो दिती जाती है। दूजा की है कि जिहड़े तुहाडे रिश्तेदार भारत में रह रहे हैं उन्हां दे पैसे लगते हैं, एजेंट पैसे लैंदा है, $185 फीस लगती है, उन्होंने पैसे वेस्ट होंगे ने, अखीर दे विचकार दोनों तरह के विचकार फर्क पैंदा है। इहदियां 7 मिनिमम रिक्वायरमेंट ने। जे तुसी किसे नूं भी स्पोंसरशिप ते बुलाना है तुहाडे कोल ये 10 योग्यतावां होनियां चाहीदियां ने। नंबर 1 लैटर ऑफ इनविटेशन, भी तुसी अगले नूं बुला रहे जी, क्यों बुला रहे जी, कित्थे बुला रहे जी, की तुहाडे कच्च जगह है। जे तुसी मियां बीबी जी ते एक ही बैडरूम च रह रहे जी तां तुसी विजिटर वीजा किवें दिओगे। जेकर तुसी ध्यान करो कि तुसी जद वह इनविटेशन बनाउंदे जे जिहड़ा नोटरी पब्लिक कोलों अटैस्ट कराउंदे जे उहदे उत्ते एड्रैस लिखा हुंदा है, जिहड़ा एड्रैस है जे उत्ते गूगल कीता जावे तां वीजा अफसर उहनूं बैठ के चैक कर सकदा है कि घर किड्डा कु वड्डा है, किन्ने बैडरूम ने, किन्नियां किचन ने, किन्ने वाशरूम ने। जेकर तुहाडे घर च रहिण नूं जगह ही नहीं है तां तुहानूं वीजा अफसर रिजैक्शन नोट दे सकदा है। नंबर 2, तुहाडे गूगल दे उत्ते जाके लीको फैक्टर LICO लीको फैक्टर फॉर कनेडा ईयर 2023 कढ़ो। तुसी जे ये टेबल देखोगे ये लैफ्ट साइड के उत्ते घर च किन्ने फैमिली मैंबर ने, सज्जे पासे तुहाडी मिनिमम इनकम किन्नी होनी चाहिए है साल की। तुहानू याद है कि तुसी पिछले साल की इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की है, उत्ते साफ तुसी लिखा होया कि तुहाडी इनकम किन्नी है। जे तुसी जिन्हें घर के मैंबर जे सपोज करो भी एक 1+1 जे मियाँ बीबी जे तो 2 मैंबर के सामने जिन्नी पैसे लिखे गए हैं तभी वो योग्यता पूरी करनी बनती है। जे तुहाडे बच्चे ने तो 2+2 4 मैंबर के सामने की लिखा है वो देखो, और तुसी पिछले साल की इनकम टैक्स की रिटर्न भोखो कि तुहाडी पिछले साल की की इनकम इन्नी सी या नहीं सी। नंबर 3 पे स्टब, देखो की हुंदा है कि पे स्टब बड़ी इंपॉर्टेंट रोल ये भरती है। कारण की है, पे स्टब कि इंप्लॉयर तुसी किहड़े पोस्ट पर काम कर रहे जी, तुहाडी पर आवर तनखा की है। जेकर तुसी पे स्टब नूं देखो उत्ते साफ लिखा हुआ है कि हुण तक तुहानूं वो टोटल किन्नी पेमेंट कर चुके हैं, इस करके पे स्टब की उहदे च इंपोर्टेंस हुंदी है। नंबर 4 इनकम टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 साल के तुहानूं इनकम टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट लगाने पैणगे। पर जेकर तुसी हाल की घड़ी नवे कनेडा गए जी फिर तुसी आपदे अकाउंटेंट दे कोलों एक लैटर बनवा के नाल ला सकते जी, उत्थे कोई अकाउंटेंट जाली लैटर तुहानूं बना के नहीं देगा। जो तुहाडा पे स्टब है या जिहड़ा इंप्लॉयर तुहानूं चिट्ठी लिख के देगा उसके आधारित वो तुहानूं स्टेटमेंट बना के दे सकता है जो तुसी विजिटर वीजे की स्पोंसरशिप नाल अटैच कर सकते हो। फिर 5वां प्रॉपर रीजन, तुसी किसी नूं कनेडा बुला रहे जी उसका की कारण है। देखो 5 ही मोटे कारण हो सकते हैं, होर कारण सानू ये दसदा नहीं। नंबर 1 किसी की मैरिज है उसे इनवाइट कर रहे जी, तुहाडे बच्चों का 18वां बर्थडे है इनवाइट कर रहे जी, तुहाडी 50वीं मैरिज एनिवर्सरी है 25वीं या 50वीं रीजनेबल अकाउंट। जे तुसी नवें घर मूव हो रहे जी, स्पैशली हिंदू रीति रिवाजा मुताबक की है कि नवें घर मूव होने तो पहला आप उत्थे हवन वगैरह कराने आपके फैमिली रिश्तेदार बुलाने हैं, इज ओके। दैन ड्यूरेशन ऑफ इनविटेशन, देखो की है जिन्हें वीजा अफसर ने
जिन्हें आप कनेडा च लोग नहीं है, आपको साफ पता है कि दो हफ्ते तक चल रीजनेबल काम है कि आप किसी को सहार सकते हैं कि अपना टाइम कट के घुमा फिरा सकते हैं, अपनी तनखा घंटिया मुताबक है। जेकर तुम 14 दिन तो वह रीजन लिखोगे, वो जिहड़ा बंदा भारत तो जा रहा है उसको तो पैसे नहीं है 14 दिन तो वह रहने वास्ते। देखो ताडे पैसे ताडे फैमिली ते ताडे वास्ते ने, जिहड़ा भारत तो विजिटर आ रहा है उन्हूं तुसी पैसा नहीं दे सकते। वो एप्लीकेंट ने आपके लैवल पर दसना कि मेरे को बैंक किन्ने पैसे ने, और जिमें कि मैं आपकी दूजी वीडियो तुम्हें वेरवा दिता है लगभग 10 लाख रुपया बैंक 4 महीने पुराना होना चाहिए है। ये पैसा तुम तद तक नहीं कढ़ा सकते जब तक तुम्हारी एप्लीकेशन के उत्ते फैसला नहीं हो जाता। नंबर 6 बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। तुम याद रहेगा आप जिन्हें भी लोग कनेडा च रहने हैं, जे आप बैंक टैलर जो ओपरेट करता है लड़की या लड़का, आपको कहने कि मैं किसी को स्पॉन्सरशिप देनी है, कनेडा की सरकार का एक प्रस्क्राइब फॉरमैट है, वो टोटल डिटेल आती है, ताडे किन्ने खाते ने, किन्ने किन्ने वे पैसे ने, किन्ने RRSP ने, ते ताडे किन्ने फिक्स डिपॉजिट ने, किन्ने घरां दे तुसीं कर्जे लए होए ने, किन्नियां किश्तां जा रहीआं, ते अखीरली लाइन माइनस या प्लस का साइन हुंदा है। जे माइनस है तुसीं कर्जाई जे प्लस का साइन है ताडे बैंक पैसे ने। सो बी वेरी केयरफुल, किसी नूं स्पॉन्सरशिप देण तों पहलां तुसीं सोच समझ विचार के चलो तां ही तुसीं स्पॉन्सरशिप दे सकदे जी। नंबर 7 जेकर विआह का समागम है तो तुसीं मैरिज हाल बुक कराया होगा, जे मैरिज हाल बुक है तो मैरिज हाल के वैबसाइट के उत्ते तुहाडी बुकिंग होगी बाई नेम। सो जब भी ये नहीं कि तुसीं किसी नूं एक स्पॉन्सरशिप भेज दी तो तुहाडा उन्हूं विजिटर वीज़ा लग जाएगा, इहदी प्रॉपर भोख पड़ताल होंदी है। जेकर तुसीं मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस तो अपॉइंटमेंट ली है कि इस दिन असीं लड़के लड़की का विआह करना है, इन्हां दे विआह रजिस्टर कराना है, तो उहदी अपॉइंटमेंट दी लैटर नाल लगती है। देखो जे तुसीं स्पॉन्सरशिप दे रहे जे तो तुसीं मैरिड जे, तुहानूं मियां बीबी दोनों उस स्पॉन्सरशिप के उत्ते साइन करने पैणगे। सब तो अखीरली गल और बड़ी इंपॉर्टेंट गल, मैं की देखदा है तुसीं किसी को नोटरी पब्लिक को जाओ, वो करता की है ताडा नाम बदलता, ताडा एड्रैस बदलता, रीजन बदलता, बाकी सारा प्रिंट आउट कट कट के 25-25-30 गल ला के साइन करके दे आउंदा। वो बई इंज नहीं हुंदा। कनेडा का कानून की कहना है कि जेकर तुसीं किसी की नकल करते जे या उहदी डुप्लीकेसी करते जे तां ताडे केस ते विचार नहीं किया जाऊगा। सो तुसीं आप दी गलती आप ही करी जा रहे जे। मैं तुहानूं कारण दसदे ने कि किहड़े किहड़े जिहड़े बंदे ने आउणा है उहदे कोल की योग्यतावां होनी चाहीदियां ने, जिन्हें स्पॉन्सरशिप देनी है उहदियां की योग्यतावां ने, ये दोनों का वेरवा तुसीं आपके कवर लैटर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देना हुंदा है। जे दिओगे वीज़ा क्लीयर हो जाऊगा, नहीं दिओगे तो वीज़ा रद्द हो जाऊगा। नुकसान तुहाडा भी होना है $50 का, तो उहदा घट्टो घट्ट भी 1 लाख रुपया भुगतना है। सो प्लीज़ इन्हां चीज़ां नूं अवॉइड करो। जेकर तुहाडी योग्यतावां पूरियां नहीं होंगे तुसीं आपके रिश्तेदार नूं साफ सुथरे तौर पर कह सकते जी कि मैं इन्हां शर्तां नूं पूरियां नहीं करता तो मैं तुहानूं स्पॉन्सरशिप नहीं दे सकता। मैं तुहानूं इत्थे होर भी दसना चाहूँगा, जेकर स्पॉन्सरशिप ते आके उन्हें उत्थे कोई गलत काम कर दिता और उन्हें जे डिपोर्ट करना पिया और उन्हें जे प्लेन भी हायर करना पिया, तो कनेडा की सरकार वो भी खर्चा तुहाडे कोल रिकवर करेगी, क्योंकि तुसीं गवाही भरी है कि भी मैं इंडिया जो भी हरकत करूँगा उहदा मैं जिम्मेवार है। जेकर तुहानूं पता है कि बंदा चंगा है, तुहाडा रिश्तेदार तुहाडे कंट्रोल च है, फिर तो उन्हें स्पॉन्सरशिप दिओ, नहीं तो बिल्कुल स्पॉन्सरशिप ना दिओ, इहदे तुसीं फस सकते हो। थैंक यू वेरी मच। जे होर कोई जानकारी लेनी होए, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, साडे पिछे बोर्ड दे उत्ते तुसीं फोन नंबर पढ़ सकते जी। मंडे टू फ्राइडे सवेरे 10 तो लैके शाम के 4 बजे तक साडे नाल संपर्क कर सकते जी। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद अस।